मेरी हर गजल में शामिल है उसकी यादें, मेरी हर गजल में शामिल है उसकी यादें, इसलिए कोई अपना शेर में याद नहीं करता। और एक मतला सुनाऊंगा मैं इसमें कि थोड़ी हिंदी की महक थोड़ा उर्दू के लिबास में रहता हूँ, थोड़ी हिंदी की महक थोड़ा उर्दू के लिबास में रहता हूँ, जनाब पता ना पूछिए मैं गजल के पास में रहता हूँ। और एक शेर हम सबके नाम की, हम सब लोग चाहते हैं कि बड़े मुकाम पे पहुंचे, तो उसके लिए कि अपने ख्वाबों से आगे चलने लगा हूँ मैं, अपने ख्वाबों से आगे चलने लगा हूँ मैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बदलने लगा हूँ। चलने लगा हूँ मैं और लोग ये कह रहे हैं कि बदलने लगा हूँ मैं, और इन अंधेरों से मुझे अब डर नहीं लगता, इन अंधेरों से मुझे अब डर नहीं लगता, रोशनी लेकर घर से निकलने लगा हूँ। और एक 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 मतलब शहर की, सजर की शाखों पर अब नजर कौन रखेगा, सजर की शाखों पर अब नजर कौन रखेगा, गांव की मिट्टी में अब घर कौन रखेगा, सजर की शाखों पर अब नजर कौन रखेगा, अब गांव की मिट्टी में घर कौन रखेगा, और दाव पर लगा दी जवानी परवरिश में, दाव पर लगा दी जवानी परवरिश में, बूढ़े माँ बाप की अब खबर कौन रखेगा। एक और एक एक मतलब आज जो माहौल है उसके ऊपर है, परिंदे भी अब घर की छतों पर नहीं आते, भीड़ दिखती है इंसान नजर नहीं आते, परिंदे भी अब घर की छतों पर नहीं आते, भीड़ दिखती है इंसान नजर नहीं आते, सब एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं, सब एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं, सब उन्ना चाहते हैं मगर पर नहीं आते। एक मुकम्मल गजल है जो एक तड़पती हुई गजल बोल सकते हैं आप, उसको वो सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा कि लोग सब कुछ जो मिटाने में लगे हैं और हम बस मुस्कुराने में लगे हैं, लोग सब कुछ जो मिटाने में लगे हैं और हम बस मुस्कुराने में लगे हैं, और जो पले मेरी निगहबानी में अक्सर, निगहबानी मतलब निगरानी, जो पले मेरी निगाह पानी में अक्सर वो मुझे रास्ता दिखाने में लगे हैं, जो पले मेरी निगाह पानी में अक्सर वो मुझे रास्ता दिखाने में लगे हैं, और आईना सब सच कहेगा मान लो तुम, आईना सब सच कहेगा मान लो तुम, लोग बस अपनी बताने में लगे हैं, आईना सब सच कहेगा मान लो तुम, लोग बस अपनी बताने में लगे हैं, और पांव चलते ही नहीं एक दो कदम भी और रास्ते अब थकाने में लगे हैं, पांव चलते ही नहीं एक दो कदम भी और रास्ते अब थकाने में लगे हैं। और आजकल शायरी बहुत चोरी हो रही है, ये माहौल चल रहा है, तो उसके ऊपर एक शेर है कि खुद लिखोगे तो बता देना मुझको शेर भी तो चुराने में लगे हैं, खुद लिखोगे तो बता देना मुझको शेर भी तो अब चुराने में लगे हैं। और अभी क्या है कि सब काम काज में बिजी रहते हैं, सब जॉब में रहते हैं, तो कोई पूरा वक्त शायरी को नहीं दे पाता, अपने लिखने को नहीं दे पाता। उसके ऊपर एक शेर है कि तुम कहो तो नाम दूँ अपने हुनर को हम मगर रोटी कमाने में लगे हैं, तुम कहो तो नाम दूँ अपने हुनर को हम मगर रोटी कमाने में लगे हैं, और मत उछालो आबरू अपने वतन की सर बहुत इसको कमाने में लगे हैं, मत उछालो आबरू अपने वतन की सर इसको बहुत कमाने में लगे हैं। और आखिरी मकता है कि ये मेरे लिए है कि बाकी है कुछ खास तरकश तीर मेरे अभी तो बस कुछ निशाने में लगे हैं।
बहुत शानदार, बहुत शानदार।